अस्सलाम वालेकुम मेरी पॉजिटिव फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे हैं। आज है रिसेप्शन वाला दिन, 25 दिसंबर। आई नो मैं व्लॉग्स बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, एक रीज़न है, वो मैं बाद में बताऊँगी। अच्छा, तो इंडिया में ना कोलकाता में मैंने क्या देखा, मोमोसो शॉप। मोमोसो मेरा फेवरेट ब्रांड है, इसके ना हर एक प्रोडक्ट्स इतने अच्छे होते हैं। मैं दुबई में ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। दो शॉप्स है ना अपोजिट ही थे, तो मैं देख के बहुत शौक हो गई। और मोमोसो इंडिया में मैंने अभी तक कहीं पर भी नहीं देखा था, कोलकाता मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। दुबई में तो हर जगह है, और बस देखी ना तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई, क्योंकि इट्स माय फेवरेट ब्रांड। तो आज है रिसेप्शन वाला दिन। ये कुछ 5:30 बजे का वक्त था, तो हम लोग है ना, मुझे कुछ सामान लेना था रिसेप्शन के रिगार्डिंग, और तो मैं वो लेने आई थी। तो ना माहौल इतना अच्छा सजा हुआ था बाहर, तो कैप्चर किया। अच्छा, जिससे हमने मेकअप करवाया है उनका नाम है, इंस्टा आईडी में यहाँ पर टैग कर रही हूँ, आलिया है उनका नाम। और उन्होंने मेकअप भाई साहब क्या ज़बरदस्त किया। मैं जैसा उन्हें एग्जैक्ट मेरा कॉस्ट्यूम और फोटो दिखाई थी ना कि मुझे ऐसा मेकअप चाहिए, एग्जैक्टली उन्होंने वैसा ही किया। एंड विद इन नो टाइम, हार्डली 30 मिनट्स में ही उन्होंने इतना अच्छा से हेयर स्टाइल, कॉस्ट्यूम, मेकअप सारा कुछ इतना अच्छा से किया। यार, शी इज़ द बेस्ट, यू कैन ट्राई। अगर आप कोलकाता में हैं तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं इंस्टाग्राम आईडी और उनका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर रही हूँ, यू गाइस कैन कॉल हर एनी टाइम। बस एक दिन बिफोर बोलना तो आपको ही अच्छा हो जाएगा, कि जब आपको अगर करवाना होगा तो टाइम पर आ जाए। वैसे तो शी इज़ अप टू टाइम, मतलब हमने जब कॉल किया था वो करेक्ट उसी टाइम पर अपना सारा सामान लेकर आ गई थी, प्रोडक्ट सारा वो अपना कुछ लेकर, सारा कुछ अपना लेकर आती हैं। तो आप उस चीज़ की टेंशन ही नहीं लीजिए, आपसे कुछ एक चीज़ भी वो बोरो नहीं करेंगी। कोलकाता में है तो आप इन्हें मस्ट कॉन्टैक्ट करेगा। और ये सर्टिफाइड बाय सिमरन परवीन है, जो कि कोलकाता में सबसे ट्रेंडिंग है, सिमरन परवीन। और ये देखिए मेरा लुक था, मैं तो अपने लुक से एकदम लुक पे ना एकदम फिदा हो गई थी यार, जैसा मैंने कहा था। इवन दो हेयर स्टाइल भी उन्होंने बिल्कुल वैसा किया जैसा मैंने उन्हें फ़ोटो में दिखाया था। तो मैं तो बहुत बहुत सेटिस्फाइड थी इनके मेकअप से, जितना भी रिव्यू बोलूं उतना कम है इनके बारे में। अच्छा, तो अब हम ना रेडी होने के बाद वेन्यू में पहुंच गए थे, जहां पर रिसेप्शन की पार्टी होने वाली थी। तो यहां लिखा है मोहम्मद सरफराज एंड फरा परवीन। तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर में पहुँच गए थे, मैं थोड़ा सा लेट ही पहुँची बिकॉज ऑफ अलैना अलीज़ा, क्योंकि ना सबको बच्चों को रेडी करना होता है तो बहुत टाइम लग गया। तो हम पहुंच गए हैं अपने वेन्यू पर, और ये है नवीरा। अच्छा, नवीरा से मुझे याद आया, थैंक यू सो मच नवीरा, के बर्थडे व्लॉग्स को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। और ये है ब्राइड एंड ग्रूम से, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और मिली अश्मीरा एंड महविश से, आप लोग ने नवीरा के व्लॉग में इन्हें भी देखा ही होगा। अच्छा, आप लोग को बोलती हूँ ना मेरे मामा है, तो ये मेरे मामा है, मतलब मेरी मम्मी और आंटी के भाई। तो मैं इनको कभी भी व्लॉग्स में ली नहीं थी, तो आज ले लिया। तो और यह है अलैना अलीज़ा। आपको है ना हमारी फैमिली की ट्विनिंग कैसी लग रही है ड्रेस की? मैंने हर एक ड्रेस है ना, मतलब बहुत सोच समझ के बनवाया था, मेहंदी का, हल्दी का। अगर आप एक चीज़ गौर करेंगे, मैंने अपना अलैना और अलीज़ा का ना हमेशा से मेहंदी हल्दी का सबका सेम ही करा था, और रहमान का ना लुक भी सेम ही रखा था। तो आप लोग रिसेप्शन का भी लुक आपको क्लियर दिखेगा कि मैंने क्या पहना है। लास्ट तक ना मैंने सारा फ़ोटो अटैच किया है, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे मेमोरीज़ और फ़ोटोज़ मैंने क्लिक करवाए थे। तो मैं सारा ना फोटोज़ लास्ट में अटैच कर दे रही हूँ, आप लोग देखिएगा ज़रूर। और बहुत लोगों ने ना, जब ड्रेस फाइनल कर रही थी, बहुत लोगों ने तो ये कहा था कि आप ब्लैक वाला ही लोगे, पर नहीं यार, ब्लैक कलर अब मेरे पास इतने सारे हो गए हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। अब मेरा भी दिल नहीं करता कि ब्लैक में इतना लूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा है अभी मेरे पास कलेक्ट हो गए हैं ब्लैक। तो इस बार है ना समवॉट अलग लेना था, और एक मैंने लिया था वो अभी भी सस्पेंस है, अभी इंशाल्लाह एक पार्टी में थ्रो करने वाली हूँ। किस चीज़ की पार्टी थ्रो करने वाली हूँ वो भी आपको बहुत जल्दी पता चलेगा, मे बी फेब्रुअरी एंड तक मैं एक बहुत ग्रैंड पार्टी थ्रो करने वाली हूँ, वो भी सस्पेंस है, अभी बताऊँगी नहीं, थोड़ा सा सस्पेंस तो रखना बनता है ना यार। अच्छा, जो ये ब्लू साड़ी में दिख रही है ना, ये मेरी दादी की बहन है, और यहाँ पर मेरी रुकैया, फिर क्या फूफी, अतिया, सब लोग कितने प्यारे लग रहे हैं, अबशार, सब लोग कितने प्यारे लग रहे हैं ना, आंटी है मेरी यहाँ पर, तो आप लोग प्लीज़ माशाल्लाह बोलना। ये मेरे बड़े जीजू हैं, और यहाँ पर है ना फोटोशूट्स वगैरह हो रही थी मम्मी, और ये थर्ड वाली बहन है मेरी, वहाँ पर मम्मी ना पोज बताती थी। एंड ये रुखसार आंटी है, ये दिल्ली में रहती हैं, बेसिकली ये कोलकाता की हैं पर अब दिल्ली में रहती हैं, इनके हस्बैंड का वहाँ पर बिजनेस है। तो ये है मेरी नगमाना, आप लोगों ने नवीरा के व्लॉग में देखा ही होगा, नवीरा की मम्मा है ये। और है ना रिसेप्शन में इतने सारे गेस्ट थे भाई, मैं तो देख कर ही शॉक हो गई, मतलब इतने, अभी हम दुबई में रहते हैं ना तो अकेले होते हैं, इतने सारे लोग से एकदम ही मिले नहीं होते, और बहुत साल बाद अगर मिलते ना तो थोड़ा मुझे ज़्यादा लोगों को देखने से ना घबराहट होने लग जाती है। खैर कोई नहीं, बहुत एंजॉय किया हमने। और यहाँ पर फरा और सरफराज कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, ये मेरी दादी हैं, मतलब मेरी मम्मी के चाचा की वाइफ हैं, तो हम उन्हें दादी दादी कहते हैं। और यहाँ पर सब लोग अपना अपना फ़ोटोशूट करा रहे हैं, मेरी चाची, मामी,
अच्छा तो हम लोगों ने ना यहाँ पर केक ऑर्डर किया था रिसेप्शन के ब्राइड एंड ग्रूम के लिए। भैया ये केक तो इतना टाइम लगाया, जितना खूबसूरत था ये उतना ही हमारा टाइम लिया। पता है सेट होने के लिए बहुत टाइम लगा। जिसे हम लोगों ने ऑर्डर किया था ना, उन्होंने बहुत अच्छा से केक बनाया था, बहुत यम्मी भी था, मैंने टेस्ट किया। लेकिन है ना, जितनी खूबसूरत चीज़ होती है ना, उसको पेशेंस भी उतना ही ज़्यादा मांगता है। आप केक देखो कितना खूबसूरत है, मैं आगे इसकी फ़ोटो भी अटैच कर दूँगी। तो बहुत टाइम लगा इसे सेट करने में और बहुत ही प्यारा भी लग रहा था माशाल्लाह। खैर अच्छी चीज़ों को तो वक्त लगता ही है ना। तो यहाँ पर अबशार जकियापी, तो आपको पता है ना मेरी सेकंड वाली बहन भी बेकर है, अबशार भी बेकर है। अगर उनके इंस्टाग्राम आईडी आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगी। बैंगलोर में अगर आपको केक ऑर्डर करना है तो यू कैन ऑर्डर जकिया को, और अगर कोलकाता में करना है तो यू कैन ऑर्डर अबशार को, ठीक है। तो मैं उनकी इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन कर दूँगी जस्ट इन केस इफ़ यू वांट। और यहाँ पर माशाल्लाह बहुत क्यूट मोमेंट था, फरा सरफराज को खिला रही थी, सरफराज फरा को खिला रहे थे केक। बहुत ही प्यारा मोमेंट लग रहा था। बस ये आप लोग है ना, दुआ से ही इनको, जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स में इतने दुआएं देना इनके, इन दोनों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा था प्रीवियस व्लॉग में जब भी हल्दी मेहंदी का मैं डाल रही थी ना, इतनी दुआएं माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी, मेरे पास है ना थोड़े थोड़े क्लिप्स ही थे क्योंकि ना रिसेप्शन में मैंने ज़्यादा क्लिप्स लिए ही नहीं। तो यहाँ पर है ना जिसके पास भी मैंने रिसेप्शन में बहन लोगों से पूछा तो लोगों ने ना सारा कुछ क्लिप्स भेजा है, तो सारा कुछ मैंने ऐड किया है। बस आप लोग है ना पूरा देखना एंड तक भी, एंड में इतने प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ दिखने वाले हैं ना आपको, मैं क्या ही बताऊँ। हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करवाए फैमिली के साथ। अच्छा और एक बात, बहुत लोग पूछ रहे थे क्या मैं इंडिया में ही हूँ या यूएई में आ गई हूँ। तो यूएई में हम 28 दिसंबर को ही आ गए थे। और बहुत बहुत कुछ है कहने के लिए, एक बैड न्यूज़ भी है, बहुत लोगों को पता भी होगा, पर मैं आप लोगों को इसके बारे में ना नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी डिटेल में कि हमारे साथ ऐसा क्या हो गया है जो बहुत बुरा न्यू ईयर की शुरुआत हुई हमारे साथ। बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है शेयर करने के लिए और इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है खासकर बच्चों के लिए। तो आप लोग है ना नेक्स्ट ब्लॉग के लिए भी वेट करिएगा, जैसे मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी ना आप लोगों को तो पता चली जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, बेल आइकन दबा कर रखना है, ठीक है। तो जब भी मेरा ब्लॉग जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। खैर आते हैं अभी रिसेप्शन के बारे में। यहाँ पर है ना ये मेरी मम्मी है येलो साड़ी में, ये केक खिला रही हैं अपनी बेटी और दामाद को। हम लोगों ने ना इमरान जी को बहुत ज़्यादा मिस किया, मेरी खास के मेरी मम्मी। मेरी मम्मी हमेशा ना यही कहती रही कि अब मेरे ना 22 को पांच बेटे हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके चारों बेटे तो वहाँ पे मौजूद थे, सेकंड वाले, थर्ड वाले, फोर्थ वाले और फिफ्थ वाले भी ऐड हो गए हैं। तो वो सारे मौजूद थे वहाँ पर, बस बड़े जीजू नहीं आए थे। तो मम्मी बहुत याद कर रही थी उन्हें कि कब इमरान आते तो बहुत अच्छा हो जाता, फैमिली कम्प्लीट फ़ोटो भी हो जाती। आगे ना मैंने चारों दामाद की फ़ोटो ली है, लास्ट में मैंने ऐड किया है, वो भी देखिएगा। और मेरी फराह कैसी लग रही है आप लोग को कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा ये जो वाइट सफारी सूट में दिख रहे हैं ना, ये इनका नाम सद्दाम भाई है। ये मतलब मेरे सगे भाई भी होता ना तो इतना नहीं करता जितना सद्दाम भाई ने किया है। बहुत ही, मेरी मम्मी तो उन्हें अपना बेटा ही कहती है, मेरा बेटा ही कहती है। अच्छा यहाँ पर आंटी है, आंटी पता नहीं था क्या और डिटेल में बात कर रही है, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये है ना मेरी आंटी की छोटी देवरानी है जो उनके लेफ्ट हैंड साइड में बैठी हैं वहाँ पर चेयर में, वो है। और यहाँ पर आंटी की स्टोरी कहने में बिजी हैं। यहाँ पर मेरी बड़ी फूफी आई हैं फरा से मिलने के लिए, और वो वहाँ पे मामी भी थी, मामी का कैप्चर किया है मैंने। और आगे भी आप वीडियोस में देखना, बहुत ही क्यूट वीडियोज़ है। अच्छा आपको मैंने बताया था ना हल्दी का व्लॉग जिसने शूट किया है ये अरफा एंड सदफ, जो ब्लैक ड्रेस में है उनका नाम अरफा है, जो पिंक में है उनका नाम सदफ है। एंड लेट मी टेल यू दे बोथ आर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, बहुत ही क्यूट है दोनों अरफा एंड सदफ। ये मेरी सेकेंड वाली पूपी के बच्चे हैं। अच्छा इंस्टाग्राम में ना मैंने हर एक जो फंक्शन था, मेहंदी, हल्दी, रिसेप्शन, शादी, हर एक चीज़ का ना मैंने व्लॉग के साथ साथ फ़ोटोज़ भी इंस्टाग्राम में अपलोड कर दिया है। बहुत लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि आप और आपकी बहन लोगों ने कहाँ से शॉपिंग की है कपड़ों की, हमें बताना। पर मैं अपनी बहनों से पूछ के बताऊँगी कि वो लोगों ने कहाँ से शॉपिंग की है, बिकॉज हम 6 बहनें हैं माशाल्लाह, सब लोगों ने बेस्ट से बेस्ट कपड़े पहने थे। मुझे भी, मैं भी ये चीज़ नोटिस करी हूँ, बहुत ही बेस्ट कपड़े पहने थे वो लोगों ने। तो मैं आप सबको पूछ के बताऊँगी कि उन लोगों ने कहाँ से शॉपिंग की, तो उसका भी एक डिटेल में वीडियो जरूर से बनाऊंगी।
बस उसके बाद है ना, यही थी रिसेप्शन की ब्लॉग। आगे भी बहुत सारे फोटोज अटैच है, जाइएगा मत, पूरा देख कर जाइएगा। यहाँ पर है ना, हम लोग फराह के साथ बहुत क्यूट क्यूट मोमेंट्स ले रहे थे, मैंने भी लिया है लास्ट में, बहुत ही क्यूट मोमेंट्स है। इसके बाद आपको दिखेगा मैंने फराह के साथ कितना अच्छा अपलोड किया है इंस्टा में। अगर आप मुझे इंस्टा में फॉलो नहीं करते तो इंस्टा में ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो बस मैंने भी यहाँ पर है ना फराह के साथ मोमेंट्स ले लिया थोड़ा सा, तो बहुत ही क्यूट वीडियो आया है। यहाँ पर है ना मैंने बहुत अच्छा गाना भी ऐड किया है इस वीडियो में इंस्टा में, आप लोग ज़रूर देखना। अच्छा, ये था मेरा ड्रेस का पूरा लुक, तो ये कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिख, और रिसेप्शन का ब्लॉग कैसा लगा वो भी ज़रूर से लिखना। तो यहाँ पर है ना बहुत, ये वाला भी मैंने ना वीडियो इंस्टा में ऐड किया है, बहुत प्यारा वीडियो आया है माशाल्लाह। और तो है ना बस यही थी रिसेप्शन की ब्लॉग, आगे मैंने सारे फोटोज़ अटैच कर दिए हैं, पूरा देख कर जाइएगा। होप करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए थोड़ा सा स्टे ट्यून्ड रहिएगा, हमारे लाइफ में क्या ट्रेजेडी हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये थी रिसेप्शन की व्लॉग, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब खूब ज़्यादा प्यार दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।